दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नक्षत्र की पूरी सीरीज मेरे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप अगर अपना जन्म का नक्षत्र देखना चाहते हैं अगर तो वीडियो को देख सकते हैं, अपने नक्षत्र की वीडियो को जरूर देखिए। होता क्या है कि जिस नक्षत्र में हम लोगों का जन्म हुआ होता है उसकी ऊर्जा पूरे समय हमारे साथ रहती है। अगर आप लोग अपने नक्षत्र को नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आपका नक्षत्र बता दूंगा। और नक्षत्र की ऊर्जा से, नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से हमें किस प्रकार से जुड़ना होता है उसके लिए क्या हो रहा है कि एडवांस वीडियो की एक सीरीज आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं कुछ समय के बाद। तो उसमें क्या करना होगा, ज्वाइन बटन आपको दबाना होगा और ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके हमारे चैनल के मेंबर बनिए और जो भी आपका नक्षत्र है उसकी पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़िए, वो भी किस माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। तो ये एक अलग टाइप की सीरीज है, इसमें जरूर जुड़िए। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे धनु लग्न के विषय में, मतलब गोचर के अकॉर्डिंग धनु लग्न इस बार किस प्रकार से, मतलब धनु लग्न के व्यक्तियों को इस बार क्या मिलना है, क्या गोचर हमें दे रहा है, किस प्रकार की ऊर्जा गोचर से हमें प्राप्त होगी। तो देखिए गोचर क्या होता है, ब्रह्मांड में इस समय जो ग्रह जिस स्थिति में चल रहा होता है वो हम लग्न के हिसाब से लिख देते हैं। अगर आपके आपकी कुंडली में पहले वाले भवन में 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये आपकी धनु लग्न की कुंडली है। और अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो कि धनु लग्न वाले लोग कैसे होते नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो जरूर देखें कि धनु लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गोचर के बारे में बताए दे रहा हूं। देखिए थर्ड हाउस में शनिदेव महाराज बकरी की स्थिति में चल रहे हैं और आपके फिफ्थ हाउस में राहु और गुरु का अपना यहां पर बने हुए हैं, बैठे हुए हैं बहुत टाइम से। और सूर्यदेव महाराज इस समय कर्क राशि मतलब आपके 8वें भवन में चल रहे हैं जो 18 अगस्त को अपनी ही राशि लियो में चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 9th हाउस या लियो राशि की बात करते हैं तो क्या होगा, मंगल है, शुक्र है और बुध है। तो यहां पर मंगल 19 अगस्त को कहां चले जाएंगे, आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। 10th हाउस में चले जाएंगे मतलब 19 अगस्त को आपका कन्या लग्न कन्या राशि में चले जाएंगे मंगल। और शुक्रदेव महाराज जो है 8 अगस्त को कर्क में आ जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा, 8 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपके 8वें भवन में मतलब कर्क राशि में सूर्य और शुक्र की युति रहेगी। और मंगल हमारे कहां जाएंगे, 19 को चले जाएंगे। उधर बुध क्या है कि बुध 24 अगस्त को बकरी अवस्था में चले जाएंगे और केतुदेव महाराज हमारे 11th हाउस में चले रहे। तो ये हुआ गोचर के हिसाब से। और अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या डेट वाइज प्रिडिक्शन, मतलब 1 और 2, 29 और 30, ये आपका नॉर्मल टाइम जाएगा। मतलब जैसा आपको करना है इसमें आप कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मिक्स असर है। 3, 4 और 31, बी केयरफुल, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। मतलब ऐसे समय में हमें थोड़े बिग डिसीजंस नहीं लेने होते। 5, 7, 5, 6, 7, 20, 21, नो चेंज इन जॉब। मतलब ऐसा होता है कि धनु लग्न वालों के साथ क्या होता है कि जब तक उनको अपनी जॉब नहीं बदलनी होती, जब तक कि सामने से ऑफर ना मिले और ऐसा ऑफर ना मिले कि जिसे आप ज्वाइन कर सको, ऐसा ना हो कि वो आपसे ये कहें कि आपको जॉब मिल जाएगी तो आपने ये वाली जॉब छोड़ दी। मतलब पहले जॉब को हाथ में लीजिए उसके बाद ये छोड़िए। और इन डेट्स में आपको ऑफर अच्छे मिलेंगे लेकिन उसको ज्वाइन करने की ज्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि आप इस डेट्स में अगर ज्वाइन कर लोगे तो फिर आपको वापस वहीं आना पड़ेगा। 8 और 9 टाइम फॉर चिल्ड्रेन है ये। और 12, 13, 14, 27, 28 अपनी वाइफ से या मतलब अपने स्पाउस से आपको क्या है, झगड़ा नहीं करना। झगड़े का मतलब क्या है, देखिए झगड़ा कैसे होता है, कोई बात किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसका थोड़ा सा तेजी से आंसर दे दिया और बात बढ़ जाती है। तो इन डेट्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 15, 16
तारीख को जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा एज जो लोग बड़े हैं उनके लिए। और अगर आप देखें तो चंद्रमा का गोचर जब यहां से होता है इस डेट से होगा तो क्या होगा, आपका किसी भी कार्य में करने में थोड़ा मन नहीं लगेगा, बाकी सब कुछ बढ़िया चलेगा। 17, 18, 19, 20, 22 और 24, ये टाइम फॉर मनी है। मतलब ये चीज ऐसी है, देखिए बिना प्रयास के पैसा नहीं आएगा, आप इस बात को मान के चलिए। धनु लग्न वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इस समय आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर आप लोग जो भी प्रयास करते हो इस टाइम जो चल रहे हैं, आपका ये महीना चलेगा, तो उसका रिजल्ट आपको थोड़ी देर के बाद मिलेगा, मतलब थोड़े महीनों के बाद मिलेगा। इस चीज को आपको मानना है, ये वाली जो डेट्स हैं इसको कैसे हम पैसों में कन्वर्ट करें, ये आपका टैलेंट होगा। 25 और 26 ये थोड़ा आपका खर्चे वाला टाइम है। तो देखिए अब लौटते हैं दोबारा हम लोग कुंडली की तरफ। तो यहां धनु लग्न लिखा हो, सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, 9 नंबर, मतलब यहां पड़ा हुआ है 9 नंबर, कुंडली हमारी धनु लग्न की हो गई। अब इसका मालिक कौन है, पहले भाव से हम लोग चर्चा करते हैं। तो मालिक इसके कौन है, गुरुदेव बृहस्पति, और किन किन खानों के मालिक होते हैं, वो प्रथम भाव के और चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं, मतलब स्वयं लग्न और हमारा जो भौतिक सुख के मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति, और बैठे कहां है, फिफ्थ हाउस में। देखिए ये इनकी पोजीशन बहुत ही अच्छी है, आप इस बात को मान के चलिए कि राहु इनके साथ बैठे हुए, कोई ऐसी बड़ी बातचीत नहीं है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति कहां कहां के मालिक है, खुद लग्न के मालिक है, आपको देख रहे हैं और आपके सुख भवन को देख रहे हैं। तो ये जितना भी समय आपका जा रहा है गुरु की तरफ से आपको पैसे कमाने से बिल्कुल भी, ये समझ लीजिए ऐसा समय नहीं है कि आप पीछे हटो, तो ये भी आपका मार्ग खोल रहे हैं। और आपका संबंध, मतलब पहला चौथे का संबंध किससे बन रहा है, फिफ्थ हाउस से बन रहा है। देखिए अगर आप फिफ्थ हाउस से जुड़े हुए कोई वर्क कर रहे हैं, फिफ्थ हाउस से जुड़े हुए, देखिए ज्योतिष का वर्क भी क्या होता है, फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस का कॉम्बिनेशन है, तो इस तरीके के किसी वर्क से जुड़े हुए या आप रिसर्च के काम से जुड़े हुए, तो इन सारे कामों में क्या करता है, आपके गुरुदेव बृहस्पति आपकी हेल्प कर रहे हैं। इनकी दृष्टि देख लीजिए, फिर फिफ्थ हाउस की चर्चा नहीं करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 आपके भाग्य भवन में इनकी दृष्टि जा रही है। तो गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य को ओपन करने के लिए तैयार हैं, आप इसका लाभ उठाइए। अब सातवीं दृष्टि कहां जा रही है, आपके लाभ भवन पर जा रही है, तो लाभ कमाइए, कोई नहीं रोक रहा, आपका मार्ग प्रशस्त है पूरी तरीके से। और उसके बाद दृष्टि कहां जा रही है, खुद आप पर, मतलब लग्न पर दृष्टि जा रही है, प्रथम भाव पर दृष्टि जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि गुरुदेव बृहस्पति टोटल तरीके से आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा देने के लिए बाध्य हैं। सेकंड हाउस की बात करते हैं, सेकंड हाउस में क्या है, ये ग्रह, ये घर किस चीज का, मैंने आपको बताया है, ये कुटुंब का होता है और किस चीज का होता है, पैसे का होता है। मालिक कौन है, शनि, कहां पर बैठे, थर्ड हाउस में, और कैसे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, किस नक्षत्र में चल रहे हैं, शतविशा नक्षत्र में चल रहे हैं। देखिए आपको मैं थोड़ा धनु लग्न वालों को ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी अच्छे समय का केवल इंतजार ही करते रहेंगे तो गाड़ी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। इस समय शनिदेव महाराज की जो ये स्थिति थर्ड हाउस में बनी हुई है, ये पैसा कमाने के लिए बनी हुई है। थर्ड हाउस से संबंधित जितने भी काम से अगर आप जुड़े हुए हो, देखिए जैसे थर्ड हाउस से संबंधित कई सारे काम मैं आपको बताता रहता हूं, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हो, अगर आप कोई अच्छी कविता लिखते हो, या फिर आप कोई आर्ट से जुड़े हुए कोई कार्य करते हो, या फिर आप ऑनलाइन वर्क करते हो, वीजा वगैरह सब चीज की, मतलब बहुत सारी चीजें आप देखिए कि थर्ड हाउस से जुड़ी हुई है। तो थर्ड हाउस में शनिदेव महाराज आपसे सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से वर्क कीजिए, कर्म कीजिए और आगे बढ़िए। अब यहां पर जैसे कहते हैं कि साहब बकरी अवस्था में चल रहे, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको अपनी कई वीडियोस में ये बता चुका हूं कि जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो और बराबर वाली ट्रेन भी बराबर की स्पीड से चल रही है, दोनों साइड की स्पीड से चल रही है, लेकिन अभी आपकी ट्रेन 70 की स्पीड से चलना शुरू कर देती है तो पास वाली ट्रेन क्या होता है, आपको उल्टा जाती हुई दिखाई देती है, जबकि उसकी स्पीड 60 की ही है, बस आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है। इसका मतलब हमारी लाइफ में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि शनि का नक्षत्र भी वही है और सारी चीजें वही है, लेकिन उनका जो रोटेशन, उनकी जो गति है, उसमें थोड़ा बदलाव आया है। तो क्या हो रहा है,
कि वो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और सेकंड हाउस की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी इस समय वर्क अपने थर्ड हाउस से करोगे, मतलब तीसरे हाउस से संबंधित जितने भी आप काम करोगे, उसमें शनि आपको थोड़ा सा देर करके जबरदस्त बेनिफिट देंगे। ये आप बात मेरी लिख के रख लो। कोई आपका जो ये समय समय चल रहा है, बेस्ट टाइम चल रहा है, आपको केवल शनिदेव महाराज ये कह रहे हैं कि आप उठिए, आलस में अपना एक भी मिनट खराब मत कीजिए धनु लग्न वालों, और अपना कार्य बिल्कुल बुलंदी के साथ करते जाइए। परिणाम की चिंता ही मत कीजिए, परिणाम आपको बढ़िया मिलना ही मिलना है। देखिए तीसरा, इनकी दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 कहां जा रही है, फिफ्थ हाउस पर दृष्टि जा रही है, वहां राहुदेव महाराज पहले से विराजमान है। और राहु और जब शनि की दृष्टि वहां जाती है तो क्या क्या चीजें करती है, देखिए सबसे पहले तो ये जो भवन हमारा फिफ्थ हाउस है, ये किससे, हमारे एजुकेशन से जुड़ा हुआ भी है। और किस टाइप की एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, देखिए ये हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारा जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिक्षा में अवरोध उत्पन्न जरूर कर रहे हैं इस समय यहां बैठे हुए। लेकिन इसके अलावा कोई भी काम आपके लिए ऐसा नहीं कर रहे कि जिससे आपको कर्म में कोई दिक्कत वाली बात महसूस हो रही हो। सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे हैं। अगस्त महीने की हम अगर अभी थोड़ी सी देर के लिए चर्चा करते हैं तो मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर भी पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय शनि देव महाराज पर जो मंगल की गर्म दृष्टि पड़ी हुई है, उससे क्या होगा कि आप लोगों का जो काम को करने का नजरिया है उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी। नेगेटिविटी क्या, कोई भी काम आप स्टार्ट करने की सोचोगे आपके मन में आएगा पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। कारण क्या है कि यहां पर 2.5 साल शनि आपको देने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए समय को बिल्कुल मत खराब कीजिए। मंगल जब 19 अगस्त को यहां चले जाएंगे आपके कर्म क्षेत्र में, तो ये जो संबंध बना हुआ है ना, ये जबरदस्त तरीके से, क्योंकि शनि आपके भाग्य को भी देख रहे हैं। आप ये समझ के चलो जो भी आप काम कर रहे हो वो किस में वृद्धि करेगा, आपके भाग्य को खोलने का कार्य कर रहा है। तो अब शनि की मैंने आपको सेवेंथ बताई, 7 से 8 9 10 कहां देख रहे हैं, आपके खर्चे वाले भाव को भी देख रहे हैं। तो आप इस बात को पकड़ के चलो, शनि टेक्नोलॉजी के भी मालिक है। थर्ड हाउस हमारे टेक्नोलॉजी से भी संबंधित है, थर्ड हाउस हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह का भी सारी चीजें देखता है। तो यहां पर क्या होगा कि आप धनु लग्न में अगर आपका जन्म हुआ है तो इस समय आपको नई से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको जो भी व्यवस्था करनी है बढ़िया। तो ये जो खर्च है ना आपका कहां बैठ के होगा, थर्ड हाउस की चीजों पर होगा। अगर आपको विदेश जाने का मन कर रहा है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 का संबंध 9 से बना हुआ है, दृष्टि का संबंध, और दृष्टि के हिसाब से क्या है यहां भी। तो ये भी आपको समझ के चलना है कि अगर आप कोई भी ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हो जिसमें आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी परचेस करनी है, कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स परचेस करने हैं, तो ये आपका जो खर्चा होगा इस चीज के ऊपर शनिदेव कराएंगे। क्यों, क्योंकि वहां से उनको फिर काम लेना है आपसे। तो आप इस चीज को समझो, हर ग्रह की ऊर्जा, हर ग्रह की एनर्जी को आपको समझना पड़ेगा कि हम उसको इस्तेमाल किस प्रकार से करें। अब देखिए बात करते हैं हम आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस की बात आपसे लगभग हो ही गई, क्यों, बृहस्पति देव महाराज कहां बैठे हैं, फिफ्थ हाउस में बैठे। तो फोर्थ हाउस जो भी चीजों का है, मतलब गाड़ी का है, बंगले का है, इन सब चीजों का ये हाउस है, तो इस समय आपको केवल जितनी भी चीजें, देखिए आपके लिए कहीं भी अभी तक मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा कि आपका कोई नया घर बनने वाला हो या नई कोई वाहन खरीदने वाले हो, तो इस तरीके का योग नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी मन की शांति का ग्रह त्रिकोण में बैठा हुआ है, ये भी बेनिफिशियल है आपके लिए, ये भी सुकून की बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में क्या है, फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों का भी है, अभी मैंने आपसे बात करी है, राहु देव महाराज भी बैठे। राहु की दृष्टि भी अगर आप देखोगे तो भाग्य पर जा रही है, और उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 यहां चली गई, 6 7 यहां, 11th की आपको लाभ के लिए बैठे हुए, 7 8 9 और फिर कहां पर, आपके अपने ऊपर। जहां जहां पर बृहस्पति की दृष्टि है वहां वहां पर राहु की दृष्टि भी है। जो ये कॉम्बिनेशन है, अगर आप इस बात को समझ लो कि फिफ्थ हाउस का ये कॉम्बिनेशन
आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए आया है। इस बात को समझने के लिए आपको हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि इस कॉम्बिनेशन का फायदा उठाइए। राहु और गुरु का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। कोई आलस मत कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। आप लोग हिट होंगे, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आगे बढ़ते चले जाओगे। अगस्त का महीना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और पैसे में चीजों को कन्वर्ट करना सीखिए। अब हम लोग बात करेंगे छठे हाउस की। छठे हाउस का मालिक कौन होता है? देखिए, छठे का मैं दो नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब शुक्र इसके मालिक है। और शुक्र कहां के मालिक है? हमारे 11th मतलब लाभ भवन के भी मालिक है। और बैठे कहां पर है? भाग्य भवन में बैठे। कब तक बैठे? 8 अगस्त तक बैठे। इसका मतलब क्या है कि 6 का 11 का संबंध किससे बना हुआ? नॉर्थ से बना हुआ है। आप बताओ, शुक्र आपके भाग्य को वृद्धि करने के लिए बैठे हुए हैं और शुक्र देव महाराज की दृष्टि कहां जा रही है? थर्ड हाउस पर जा रही है। वही चीज, वही कॉम्बिनेशन, थर्ड हाउस को एक्टिवेट कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए, लीक से अलग हटकर काम कीजिए, नए नए एक्सपेरिमेंट कीजिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी टेक्नोलॉजी आपको खरीदनी है, शनिदेव महाराज आपको बिल्कुल खरीदवा के देंगे। तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। शुक्रदेव महाराज यहां पर बैठ के आपकी सर्विस सेक्टर को देख रहे हैं, और उसे कहां देख रहे हैं? लाभ भवन में, मतलब आपको लाभ दिलाने के लिए बैठे हुए। शुक्र 8 के बाद कहां चले जाएंगे? आपके 10th हाउस में, मतलब 8th हाउस में आ जाएंगे। तो ये बकरी चल रहे हैं इसलिए पीछे चलेंगे, तो यहां पर आ जाएंगे। और यहां पर जब शुक्र आ जाते हैं तो आपको एक बात थोड़ा समझनी पड़ेगी कि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये संबंध में बहुत अच्छा संबंध नहीं मानता। क्योंकि जब 6 का मतलब छोटे रोग का संबंध जब बड़े वाले से हो जाता है तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी इश्यू आपके लिए बिल्कुल नहीं है। यहां से बैठ के शुक्र कहां देखेंगे? 2nd हाउस को देखेंगे। ये 8 तारीख के बाद की बात बता रहा हूं। जब 8 में यहां आ जाएंगे तो वो फिर आपके किस भवन को देखेंगे? फिर से पैसे वाले भवन को देखेंगे। तो पैसे की दृष्टिकोण से महीना शुक्र के हिसाब से बहुत शानदार है, शनि के हिसाब से बहुत शानदार है, राहु और गुरु के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। काम क्या करना है? आपको काम करना है। बात करते हैं आपके 7th भवन की। 7th का मालिक कौन है? 7th भवन होता किस चीज का है? हमारे स्पाउस का होता है, हमारे पार्टनरशिप का होता है। और दूसरी बात, यहां बैठते कौन है, मालिक कौन है? बुद्ध देव महाराज। और कहां के मालिक है? 10th के भी मालिक है। तो दोनों के मालिक बुद्ध बैठे कहां पर है? आपके भाग्य भवन में बैठे हुए। तो आप ये समझिए, आपकी बिजनेस पार्टनर, अगर आप बिजनेस करते हो और आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो भाग्य चमकेगा आपका, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आप अकेले काम करते हो तो अभी आपको दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपके भाग्य को चमकाने के लिए लगा हुआ है। और दृष्टि कहां बन रही है? 3rd हाउस से दृष्टि सब वही बन रही है। धनु लग्न वालों को अपना 3रा घर खोलना ही खोलना है, इसके अलावा उनकी भाग्य की उन्नति नहीं हो सकती। अब देखिए, बात करते हैं हम आपसे आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का मैं क्या नंबर लिखा हुआ है? 4 नंबर लिखा हुआ है। तो यहां पर सूर्यदेव महाराज बैठे हुए, दृष्टि कहां बैठती बैठती है इनकी? कुटुंब भाव में और धन भाव में। तो धन की वृद्धि करेंगे। उसके बाद सूर्यदेव महाराज कहां आ जाएंगे? यहां आ जाएंगे। जब तक मंगल 18 को सूर्य आपके 9th हाउस में आएंगे, और मंगल कहां चले जाएंगे? आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। अब यहां युति किसकी बैठी रह जाएगी? बुध की और सूर्य की। जब इस तरीके की कंडीशन आपकी 18 तारीख के बाद बनेगी, और उसके बाद 24 अगस्त को बुध महाराज वक्री हो जाएंगे, तो क्या फल देंगे? देखिए, बुध का जितना भी सीन होता है, बुध को मैंने हमेशा आपको क्या बताया कि एक कलाकार ग्रह, एक बुद्धिजीवी ग्रह। और ये वाली चीज आप धनु लग्न में अगर आप समझोगे तो एक और तो आपकी ये इमेच्योर बुद्ध है, मतलब आपकी पत्नी वाला जो घर है वो आपका साथ देने को अभी फिलहाल बिल्कुल तैयार नहीं। मतलब तैयार नहीं का मतलब, जो बिजनेस आप कर रहे हो या सर्विस सेक्टर में आप हो तो उसे छोड़ो, लेकिन आपका 10th हाउस में जो बुद्ध है वो बिजनेसमैन बुद्ध है। और बुद्ध का संबंध कहां बन रहा है? यहां। और जब ये बकरी हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या कहते हैं बुद्ध की? देखो, ऐसा है, आपको केवल कर्म करना है, और कर्म भी ऐसे करना है कि जिस प्रकार जो हर चीज आपकी पैसे में कन्वर्ट हो। तो ये योग बना हुआ है, आप लोग काम कीजिए
और आगे बढ़िए। देखिए ना समय खराब कीजिए, ना आप ये चीज सोचते रहो मैं क्या करूं किस प्रकार से करूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, लेकिन मैं गोचर की स्थिति बता रहा हूं आपको इस समय कि गोचर के हिसाब से बुध भी यहां आपको पैसा देने के लिए तैयार है। आपको अपना माइंड लगाना है, आपको किस क्षेत्र में काम करना है, किस प्रकार से आगे काम करना है, ये सब काम आपको करना है, क्योंकि हर व्यक्ति का हर मिनट अलग अलग होता है, लग्न चाहे एक ही हो। तो ये 10th हाउस की चर्चा, 11th हाउस का जो मालिक है वो आपका यहां बैठा हुआ है। आपको कोई सोचने की समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, बड़ी बड़ी सोचते सोचते दिमाग बिल्कुल खराब मत कीजिए, केवल और केवल कर्म कीजिए धनु लग्न वालों, केवल और केवल कर्म। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि इस समय शनि थोड़ा सा पीछे जरूर हुए हैं, आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि थोड़ा पैसा हमारे पास कम आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब ये पैसा देना शुरू करेंगे, मतलब जैसी जो काम इन महीनों में आप कर लोगे उसका रिजल्ट्स आपको आता रहेगा। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नींव मजबूत कीजिए इस समय, एकदम ये मत सोचिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए कहते हैं मेहनत कीजिए, शनि आपका न्याय का देवता है, वो आपको पैसा लौटाएगा जो उसने पिछले समय में आपसे ले लिया है। आप इस बात को गौर कर लीजिए, लिख लीजिए। अब देखिए बात करते हैं हम आपके 12th हाउस की। तो ये किस चीज का है, खर्चे वाला घर है। खर्चे वाला घर क्या है, मंगल के हाथ में। मंगल जब तक यहां बैठे हैं तो किस किस चीज के मालिक, एक नंबर आप देखो कहां लिखा हुआ है, यहां। तो देखिए मंगल आपको क्या कह रहे हैं कि जो बच्चों की फीस आपको जमा करनी है वो जमा कीजिए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो उससे आपका भाग्य भी खोलेंगे, ये भी आपके लिए बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात ये है कि मंगल की दृष्टि गिनी है, 1 2 3 4। देखिए थोड़ा दब गया वो बटन, कोई बात नहीं, भी आते हैं बैक। तो देखिए मंगल की जो दृष्टि है उसको भी हमें देख रहे हैं, 1 2 3 4 कहां पर है, हमारे खर्चे वाले हाउस पर है। लेकिन ये खर्चा किस चीज पर होगा, मंगल के दूसरा वाला आप देखिए जहां 1 लिख रहा है, मतलब ये हमारे बच्चों के ऊपर खर्चा होगा और ये होना भी चाहिए। आप अपनी फैमिली को आगे लेके चलने वाले हो इसलिए ये खर्चा आपके लिए शुभ खर्चा होगा। अब मंगल जब हमारे यहां पर आ जाएंगे तो थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए, हाउस तो आपके वही रहेंगे ना, एक तो 12th और एक ये, तो अब इनका संबंध 1 2 3 4, अपने ऊपर भी आप कुछ खर्च करोगे और उसके बाद इसका यहां संबंध कहां जा रहा है, तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होती है वो गर्म होती है और फिर दृष्टि आपकी कहां जा रही है, ये 5th हाउस में जा रही है। तो जब 19 अगस्त के बाद मंगल आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अपने बच्चों से बहुत प्यार से आप लोगों को बातचीत करनी है, क्योंकि होता क्या है कि मंगल कुछ ना कुछ जंगल जरूर कराते हैं, और वो कहां करा रहे हैं, वो 5th हाउस में करा रहे हैं। वो कहां करा रहे हैं, माताजी से झगड़े में करा रहे हैं। तो इस तरीके की बातचीत ना हो, इसलिए क्या है हमें मंगल की ऊर्जा को समझना होगा। तो टोटल की टोटल मैंने आपको एक छोटा सा प्रयास किया कि पूरी धनु लग्न वालों को गोचर किस प्रकार की ऊर्जा दे रहा है। देखिए गोचर हमें बहुत पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है, हर ग्रह आपसे कह रहा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र को संभालिए, आगे बढ़िए, और इस समय बिल्कुल ऐसा माइंड को नेगेटिव मत कीजिए कि हमारा काम नहीं हो रहा, हम कहां जाएं क्या करें, बिल्कुल मत सोचिए। इस समय जो भी आप काम करते हो उसमें आगे बढ़ते चले जाइए। आप ये मत सोचो कि मुझे उसका तुरंत लाभ हो, तुरंत लाभ के लिए भी हमारा, मैंने सब डेट्स आपको लिखी हैं, महीने में लाभ होगा थोड़ा हो, लेकिन जब आप इस पर काम करते रहोगे लगातार तो जब ये रिटर्न आएगा तब आप ये कहोगे कि हाँ हमने एक अच्छे समय को प्राप्त कर लिया। तो एक छोटी सी विवेचना थी धनु लग्न वालों के लिए, अगस्त का महीना कैसे जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए देखिए आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।